आज हम हर की दून पहुँचे हैं और बड़ा ही अच्छा नज़ारा है। यहाँ पहुँचते ही बर्फबारी शुरू हो गई है। अभी अभी कुछ लोग हर की दून पहुँच रहे हैं। ये हमारे टीम के फिजियोथेरेपिस्ट हैं जो हमारी टीम के सभी मेंबर्स का ध्यान रखते हैं, उनको फिजिकल फिटनेस के बारे में बताते हैं। इनका नाम अमित बडोनी है। अमित जी, इस टेम्परेचर में आपको क्या लगता है, यहाँ पे सरवाइव कर पाएंगे हम? बिल्कुल क्यों नहीं सरवाइव कर पाएंगे। अच्छा, तो आप इस टेम्परेचर में कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए? उसमें बॉडी को मूवमेंट देते रहो, सब कुछ सही रहेगा, ब्लड सर्कुलेशन बना रहेगा। अच्छा, ब्लड सर्कुलेशन बना रहेगा। ओके। ये सुपिन नदी है जो जौंदर ग्लेशियर से आ रही है और आगे जाके ये हमारी रूपिन से मिल जाती है जो टॉन्स नदी में मिल जाती है। अभी हमारे टेंट में कोई दिक्कत आ रही है, इसलिए हमारे जो सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं मिस्टर अनिल नौटियाल, और ये हमें बताते हैं कि आर्मी में किस तरह से टेंट लगाए जाते हैं। इन्होंने कई सर्वाइव कोर्स कर रखे हैं। उनके साथ हमारे ऑर्गेनाइजर हैं मिस्टर हिमांशु डंगवाल। हिमांशु नौटियाल को भूल गए। और सामने हमारे टेक्निकल एडवाइजर ये विपिन डंगवाल हैं। डंगवाल जी, आपको क्या लगता है, कल हम वापस जा पाएंगे? बिल्कुल, मुझे ये लग रहा है ये 2 घंटे बर्फबारी रुक जाएगी। ओके। और कल हमें जाते हुए बड़े आनंद का अनुभव होगा। अच्छा, हल्की हल्की बर्फ पड़ी हुई, उसमें चलेंगे। ओके। और डंगवाल जी, थोड़ा सा हमसे भी इंट्रोडक्शन लीजिए। तो ये है जी हमारे गजेंद्र चौहान जी, हाथ ला के दीजिए। ये हमारे IT सॉल्यूशंस हेड हैं यहाँ पर ग्रुप के, तो इनसे हमने सॉल्यूशंस मांगे थे। ऐसा है कि यहाँ पे अभी कोई नेटवर्क्स नहीं है, तो हमें स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर पे ही काम करना पड़ेगा। और 3-tier आर्किटेक्चर के सॉफ्टवेयर जैसे वेब सॉफ्टवेयर्स वो हम यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सही बात बोली आपने। यहाँ पे किसी भी सर्विस प्रोवाइडर का नेटवर्क नहीं है। और सही कह, लेकिन यहाँ पे अच्छी बात ये है कि अच्छा भी है, किसी नेटवर्क वाले का कोई सलूशन नहीं है, क्योंकि कुछ दिन हम यहाँ पे बिना नेटवर्क के रहेंगे। और ये जो सामने यहाँ से डंगवाल जी, यहाँ से ये रूट जौंदर ग्लेशियर के लिए जाता है जो हमारा कल का प्रोग्राम है। कैमरा हमारा जूम कर रहा है, दिखा रहा है। और ये हमारा कालू राम है, ये कल से हमारे साथ है। कालू से हेलो। कालू, आपका क्या कहना है इस ट्रिप के बारे में? भू तो इनके आपने अमूल्य विचार सुने, उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। अब इसको